जय हिंद मेरे देश के जवानों, क्या हालचाल, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रनिंग डाइट के ऊपर कि अगर आप रनिंग करते हैं तो कौन कौन सा डाइट लेना चाहिए, दिन भर का आपका रूटीन क्या होगा, क्या क्या आपको खाना चाहिए जो कि आपकी रनिंग स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, आपकी रनिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रनिंग कैसे करें और उस पर आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर डाइट के बारे में बता दीजिए कि डाइट हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि अगर वीडियो लाइक नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। अगर आप रनिंग करते हैं तो मैं आज जो है आपको पूरा डाइट चार्ट बताऊंगा क्या क्या चीज़ जो है खाना चाहिए एक नॉर्मल रनर आप हैं तो। ठीक है, सबसे पहला मॉर्निंग में जब भी आप रनिंग करने के लिए जाते हैं तो रनिंग करके आने के बाद आपको क्या चीज़ जो है खाना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रात में एक छोटे से ग्लास में ले लीजिए या कटोरी में कह सकते हैं लेके, उसमें आपको चना, पहला चीज़ चना, उसके बाद किशमिश और सोयाबीन का बीज जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये तीन चीज़ को क्या करना है आपको पानी के में रात में फुला कर रख देना है और मॉर्निंग में जब उसको फुलाएंगे तो अच्छे से उसको वॉश कर लेना आपको। ठीक है, अच्छे से धो लेना है और उसके बाद क्या करना है, पानी डाल के रख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें रात भर के लिए फिर छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ कर देंगे, जैसे ही आप ग्राउंड जाते हो रनिंग करके जैसे ही आप आओगे तो आने के साथ ही आपको जो वो सारा चीज़ आपको खा लेना है, किशमिश, चना और सोयाबीन का बीज, और साथ में आपको क्या करना है, जरा सा गुड़ खाना है। गुड़ क्यों खाना चाहिए, गुड़ खाने का फ़ायदा क्या होगा आपके बॉडी में कि उससे आपका स्टेमिना लेवल भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ दोस्तों जब हम रनिंग करते हैं ना तो हमारा जैसे रनिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, डस्ट हमारे पेट में चला जाता है, हमारे गर्दन में चला जाता है, तो फिर क्या होता है हमारे छाती में कफ बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है रनिंग करते हैं तो हाँफना स्टार्ट कर देते हैं, हम जल्द रनिंग किए हाँफना स्टार्ट हो गया। तो गुड़ खाने से भी क्या होता है कि हमारा जो हफनी का प्रॉब्लम है या कह सकते हैं हमारे बॉडी में जितना भी डस्ट चला जाता है वो क्लियर कर देता है, तो आपको मॉर्निंग में ये चीज़ लेना जरूरी है। तो अब बात आया कि मॉर्निंग के नाश्ते में हमें क्या करना है, ये तो आपका सुबह का जैसे आप रनिंग करके जाते हो, मान लो आप 6 बजे ग्राउंड जाते हो, 7 बजे आ जाते हो तो 7 बजे आपने खा लिया, फिर हमें जो है नाश्ता करना है करीब 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, 8-9 बजे के बीच में क्या खाना चाहिए, मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ बता रहा हूँ जो आप कर भी ना पाओ। तो नॉर्मल आपको क्या करना है, रोटी, रोटी आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, 4 रोटी 2 रोटी जितना आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, तो रोटी लेना है आपको, साथ में सब्जी यानी हरी सब्जी आपको ले सकते हैं, हरी सब्जी में आप बहुत सारी चीज़ सब्जी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है तो वो आप ले सकते हैं, रोटी हो गया आपका, सब्जी हो गया, फिर चाहे साथ में आपको जो है दाल भी ले सकते हैं, दाल भी आप चाहें तो एक गिलास दाल ले लीजिए, इससे भी क्या होता है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कमी जो पूरा करता है, साथ ही साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आप अगर रोटी लेते हैं तो रोटी के साथ क्या कर सकते हैं, उसमें दही, रोटी के साथ आप दही भी ले सकते हैं, दही से भी क्या होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, दही से कैल्शियम भी बढ़ता है, साथ क्या होता है कैल्शियम से फायदा क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे पैरों में कभी दर्द नहीं होगा, अपने घुटने का भी दर्द नहीं होगा, तो आप दही भी ले सकते हो, साथ ही साथ आप एक क्या कर सकते हो, मान लो आपको दही अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप साथ में दूध ले सकते हो, एक गिलास आप दूध ले सकते हो या फिर आधा गिलास दूध ले सकते हो, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो दूध लेने से भी आपके बॉडी के जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, साथ ही साथ जो रनिंग करते हैं तो रनिंग में आपको बहुत फायदा करेगा और साथ ही साथ आपको जो थकान होता है आपके बॉडी में वो थकान होने बिल्कुल भी नहीं देगा। एक बात ध्यान रखना कि अगर आप रनिंग करते हो तो जैसे आप रोटी लेते हो तो प्लेन रोटी की जगह आप चाहे तो हल्का सा उसमें घी लगा सकते हो, घी लगाने से भी क्या होगा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिर एनर्जी मिलता है, साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम रनिंग करते हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, उनके ज्वाइंट पेन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो घी खाने से भी क्या होता है कि उनके जो घुटने में जो दर्द हो रहा, जो लुब्रिकेंट्स की कमी हो जाती है हमारे घुटने में या हमारे ज्वाइंट्स में लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, उसको एक पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है घी, तो आप घी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप एक काम और कर सकते हो जो कि हर आदमी के घर में अवेलेबल मिल जाता है, माड़, जैसे जो हम चावल बनाते हैं चावल बनाने के बाद उसमें बच जाता है हमारा माड़ जो व्हाइट कलर रहता है, माड़ खाने से बॉडी बता दो दोस्तों कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी बनता है, ऐसा नहीं बहुत लोग क्या करते हैं उस चीज़ को फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पर मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप माड़ को पीना चाहते हो तो वो आपका जो घर का या देसी चावल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मार्केट से जो लेकर आते हैं वो क्या होता है पॉलिश वाला चावल होता है, अगर वो माड़ को आप पियोगे तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, तो जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो कहीं गांव से आप मंगवा सकते हो चावल को, तब उसका माड़ जो आप पियोगे बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि दोपहर के खाने में हमें क्या खाना चाहिए, दोपहर का खाना जो हम करेंगे वो है नॉर्मल, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पर भी रनिंग करते हैं, मान लो 5 बजे रनिंग करने जाते हैं या फिर 4 बजे रनिंग करने जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या लेना चाहिए, नॉर्मली देखिए आपने मॉर्निंग में आपने रोटी खा लिया, अब दोपहर में चावल भी खाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि चावल भी खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें क्या करना है आपको चावल ले सकते हैं,
दाल ले सकते हो, साथ ही साथ आप जो है हरी सब्जी ले सकते हो, वो आपके मनपसंद का होना चाहिए, जो भी आप खाते हो वो ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, दोपहर के खाने में आप चिकन या फिर मटन ले सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं खाना आपको, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा खा लिए फिर क्या होगा, वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। लेकिन बता दूँ कि चिकन और मटन खाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, जो आपको पावर मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो हम चिकन खाते हैं हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है, ठीक है, वो हीट बहुत ज़रूरी है रनिंग करने के लिए। जब हम रनिंग करेंगे हमारा बॉडी हीट ही नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे बॉडी में पावर नहीं मिलेगा, हम रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप चिकन या फिर मटन खा सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि जब अगर आप रनिंग करते हो, आप एक एथलीट हो, तो आपको जो है ज्यादा मसाला वाला चिकन या मटन नहीं खाना चाहिए, आपको नॉर्मल खा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर आप बॉइल करके खा सकते हो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, हल्का सा बॉइल कर लो और फिर नमक डाल सकते हो और नमक हल्दी मिलाकर उसे खाते हो तो और आप ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके बॉडी के लिए। दोस्तों अब बताता है कि चलिए अब दोपहर का खाना खा लिए, अब आपको कब खाना है, आपको खाना है शाम को। शाम को कितना बजे खाना चाहिए, 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। अगर आप रनिंग करते हो, मान लो 4 बजे रनिंग करने जाते हो, तो रनिंग करके आने के बाद यानी 5 बजे आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप रनिंग नहीं करते हो तो भी आप जो है 4 से 5 बजे के बीच में ले सकते हो। 4 बजे 5 बजे के बीच में बहुत लोग जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप इस टाइम पे, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो आपके बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है, आपके बॉडी को ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जरूर खाना, क्योंकि अब देखो क्या होता है ना, शाम के टाइम पे बहुत लोगों को भूख लग जाता है, 4 से 6 बजे के बीच में लोगों को जरा हमारा भूख जरूर लग जाता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं या बाहर घर से बाहर जाकर पकौड़ी खा लेते हैं, सेव खा लेते हैं या फिर चाउमीन वगैरह खा लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म इफेक्ट करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक रनर हैं तो आपको क्या करना है, सेव खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो फ्रूट का जो चीज़ होता है, चाहे तो आप मौसम्बी का एक गिलास जूस पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, साथ ही साथ एनर्जी इतना मिल जाएगा आपको जो रनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पर क्या करोगे, चाय पी लोगे, चाय नहीं पीना है, बिल्कुल भी चाय नहीं पीना है। चाय की जगह आप चाहो तो कॉफ़ी ले सकते हो, उसे भी आपके बॉडी की एनर्जी जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। साथ ही साथ जो है आप चाउमीन वगैरह तो बिल्कुल भी मत खाना शाम के टाइम पे, मतलब आपको जो फल फ्रूट वाली जो चीज़ें हैं उसको खाने का कोशिश करना, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चाहे तो आप नट्स वगैरह में ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, किशमिश ले सकते हो, ये सब चीज़ खाओगे शाम के टाइम पे, ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना। तो अब बताएं कि रात के खाने में जो है आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। रात का खाना आपको कम से कम 8 से 9 बजे के पहले जो है खा लेना चाहिए, यानी 8 या 9 बजे के बीच में आपको खा लेना है। पर एक बात ध्यान रखना, रात के खाने में क्या करते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ढकेल के खाते हैं, बोलो तो बोलते हैं ना कि छाती तक खा लिए, पेट तक, गले तक खा लिए, तो वो आपको नहीं करना है। रात का खाना जो आपका होता है वो हमेशा हल्का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके आपके पेट में। क्योंकि क्या होता है, रात में हम जो वर्किंग तो करते नहीं है, रनिंग तो कर नहीं रहे, चल फिर तो नहीं रहे, तो खाना पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर क्या होता है, आप ग्राउंड में जाते हो, रनिंग करते हो, मॉर्निंग में 6 बजे रनिंग करने चल गए, वहाँ पर क्या होगा कि आप जैसे रनिंग करोगे आपको लेटिंग लग जाएगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। रात के खाने में आप नॉर्मल हल्का खाना खा सकते हो, आप रोटी खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, ठीक है, सब्जी आपके पसंद का होना चाहिए, जो भी आप खाना चाहते हो, चाहे आप पालक की सब्जी खा सकते हो, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है सब्जी के अंदर, तो वो ले सकते हो। साथ ही साथ आपको एक गिलास जो है दूध लेना चाहिए, दूध लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बॉडी में एनर्जी भी चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए। साथ ही साथ आप दूध में एक चीज़ और मिला सकते हो, दूध में आप जो है प्रोटीन डाल सकते हो। बहुत सारा प्रोटीन आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, प्रोटीन एक्स जैसे हो गया, हॉर्लिक हो गया या बॉर्नविटा हो गया, ये सारी चीज़ जो है आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ दूध को पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, तो उसमें आप मिलाकर जो है आराम से पी सकते हो। साथ ही साथ आपको आप चाहते हो कि और ज़्यादा आपके बॉडी में एनर्जी आए तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक चम्मच जो है अश्वगंधा मिला सकते हो। अश्वगंधा पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, 50 से 60 रुपए मात्र में आपको मिल जाता है, आप वो ले सकते हो। बट एक बार ध्यान रखना कि जब आप अश्वगंधा लेते हो तो फिर वजन भी बढ़ने का जो है उससे जो वजन भी बढ़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। जब भी आप अश्वगंधा लेते हो रनिंग के लिए खास करके, तो आपको कम लेना है और वर्कआउट ज़्यादा करना है, तब क्या होगा आपका वेट जो है गेन नहीं होगा, सिर्फ आपके बॉडी में पावर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो डाइट है दोस्तों आप डेली बेस में आप ले सकते हो। मैंने बहुत सारी सिंपल सी डाइट बताया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई डाइट बताया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे जो देखते हैं, वो नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो कि अच्छा प्रोटीन रनिंग के लिए, जो हमारे जो रनिंग स्पीड बढ़ जाए, हमारा रनिंग स्टेमिना इंक्रीज हो जाए, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके बताओ कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।